रत्नावली जी के बिना रह नहीं पाते। इनकी भार्या एक दिन इनकी अनुपस्थिति में वो अपने माता पिता के यहाँ आ गई। तुलसीदास जी शाम को पता लगा, बरसात के दिन वर्षा हो रही, रत्नावली जी से मिलने चल दिए। यमुना में बहते हुए मुर्दे को देखा तो नाव समझ लिया। ससुराल पहुंचने पर महल के चारों ओर कोई साधन अंदर प्रवेश का नहीं दिखाई दिया। एक नाग लटक रहा था, उससे रस्सी समझ लिया। रत्नावली माता के भवन में पहुंचे, रत्नावली माता जाग गई। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली, मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गायक सीता राम। त्यागो काम राम की भक्ति करो गुण गायक सीता राम के। सदगुरु चक्रवर्ती सुख सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी के। गुण गायक सीता राम जी के, गुण गायक सीता राम जी के। सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया। प्रभुपद प्रीति प्रेरणा दायिनी, देवी को शीस झुकाया। चल दिए राम दरस हित, चल दिए राम दरस हित। लगन बड़ी आकुल सी, गुण गायक सीता राम जी के। श्री तुलसीदास जी जा रहे हैं और एक ही प्यास है, हरि हरि दर्शन की प्यास। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यास। देखो चाहत देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यास। अखियां हरि दर्शन की प्यास। एक ही लालसा भगवान का दर्शन हो जाए। आंसू बहाते हुए जा रहे थे, पास में था तुम्बा का कमंडल, तुम्बे में जल। एक बबूल के वृक्ष पर वो जल डाल दिया। उस बबूल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था, प्यास बुझ गई उसकी। उसने कहा कि बाबा, तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो भगवत दर्शन की प्यास है, क्या तुम हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि अगर हम भगवान से मिलाने वाले होते तो प्रेत ही काहे को होते।
लेकिन भगवान से मिलाने वाले का पता बता सकते हैं। तो भगवान से मिलाने वाले से मिला सकोगे? कहा नहीं, मिला तो उनसे भी नहीं सकते, पर पता बता देंगे।